व्हाट इज अप एवरीबॉडी, दिस इज गाइस वाले जय, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ना ही वो किसी स्नेक के ऊपर है, ना ही किसी स्नेक बाइट के ऊपर है, ना कोई लिजर्ड है, ना कुछ है। तो क्या होने वाला है आज की वीडियो में? तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो एक बीटल पे होने वाली है। तो एक बहुत ही कॉमन इंडियन बीटल है जिसे कि आपने देखा भी होगा और शायद से नहीं भी देखा होगा। तो देखा होगा तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, नहीं देखा होगा तो अभी देख लीजिए। तो चलिए गाइस सीधा वीडियो शुरू करते हैं। वक्त आप जिस जीव को मेरे हाथों में देख रहे हैं वो एक इंसेक्ट है और इस इंसेक्ट को बीटल के नाम से पहचाना जाता है और इस बीटल को सिक्स पॉट ग्राउंड बीटल के नाम से पहचाना जाता है। और इसके साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम एंथिया सेक्स गुटाटा है। तो दोस्तों इसके नाम की अगर हम बात करें तो इसका जो नाम है सिक्स पॉट ग्राउंड बीटल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बॉडी पे जो वाइट 6 spots दिख रहे हैं, तो जिसकी वजह से इसको 6 spot ग्राउंड बीटल ये नाम पड़ा है। और इसके जो 4 spots होते हैं वो एलिट्रा पर होते हैं और जो 2 spots है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोरैक्स पर है, तो जिसकी वजह से इसको 6 spot ग्राउंड बीटल कहा जाता है। और जैसा कि इसका नाम दर्शाता है 6 spot ग्राउंड बीटल, तो ये एक ग्राउंड बीटल है, यानी कि ये उड़ नहीं सकता, ये ज़मीन पर रहता है और पूरी ज़िंदगी अपना ज़मीन पर ही बिताता है, ज़मीन और पेड़ पर बिताता है। इनके जो एडल्ट होते हैं वो 4 centimeter तक बढ़ते हैं अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 1.5 inch के लगभग। और ये जो बीटल है वो दूसरे इंसेक्ट्स पे और स्नेल्स पे फीड करता है। तो इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंह के यहाँ पे इसके जो मैंडिबल्स है, तो इन मैंडिबल्स का यूज़ करके ये बीटल अपने शिकार को दबोच लेता है। तो गाइस अभी मैं आपको इस बीटल की सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात बताता हूँ। तो दोस्तों ये बीटल एक अच्छा शिकारी होने के साथ साथ इसके पास एक बहुत ही अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म भी है, क्योंकि दोस्तों एंथिया जो स्पीशीज़ है तो उस एंथिया स्पीशीज़ के हर बीटल के पास एक सेम डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि है इनका फॉर्मिक एसिड। तो दोस्तों अगर इन बीटल को कोई शिकारी अगर तंग करता है तो ये जो बीटल है वो फॉर्मिक एसिड रिलीज़ कर देते हैं, रिलीज़ करने से अच्छा तो ये स्प्रे कर देते हैं, ये राइट वर्ड रहेगा। तो दोस्तों ये फॉर्मिक एसिड स्प्रे कर देते हैं अपने जो दुश्मन है उनके ऊपर, और ये 30 centimeter तक अपना जो फॉर्मिक एसिड है वो स्प्रे कर सकते हैं, जिससे इनको जो तंग करने वाला जीव है वो अंधा भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं इस बीटल के लाइफ साइकिल के बारे में। तो दोस्तों इस बीटल का जो लाइफ साइकिल होता है वो एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी कि पूरे 4 stages होते हैं इसके लाइफ साइकिल के, जो कि इसकी फर्स्ट स्टेज होती है एग्स, उसके बाद आती है लार्वा स्टेज, उसके बाद पूपा स्टेज आती है और फिर एडल्ट स्टेज जो कि हमारे हाथ में। तो इसकी जो पूपा स्टेज है वो भी बहुत खतरनाक दिखती है दोस्तों। तो और इसके जो पूपा है उसके पास भी एक वेल डेवलप्ड मैंडिबल होता है, तो जिसकी फ़ोटो मैं अभी यहाँ पे आपको डाल दूंगा, तो वहाँ पे देख लीजिए दोस्तों। ये है 6 spot ग्राउंड बीटल, एक बार पास से देख लीजिए इस बीटल को किस तरह है। और इसके लेग्स भी आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं, तो अभी जब ये मेरे हाथ पे आ रहा है तो मैं फील कर पा रहा हूँ कितने ज़्यादा नुकीले। और दोस्तों ये जो ग्लव्स पहनने का जो राज है, तो ये मैंने उसके लेग्स के वजह से नहीं पहना है, एक्चुअली ये फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है तो एज अ सेफ्टी मैंने इनको पहना है, और नहीं तो ये ऐसे भी मेरी बॉडी पे घूमेगा तो कुछ तकलीफ नहीं है मुझे वैसे। तो दोस्तों बहुत से लोगों के घर में ये बीटल दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड बीटल है तो गलती से लोगों के घरों में दाखिल हो जाते हैं और लोग इन्हें कीड़ा समझ के मार देते हैं। तो इसे मारने से अच्छा मैं तो कहूँगा आपको कि इसे अपने घर के बाहर निकाल दीजिए, किसी भी पैन में या फिर प्लेट में वगैरह लेके उसके बाहर फेंक सकते हैं आप। तो दोस्तों ये था 6 spot ग्राउंड बीटल, तो चलिए इसे अभी हम यहाँ पे रिलीज कर देते हैं, यहाँ से ये चला जाएगा। एक्चुअली आज ये मुझे मेरे घर के बाहर मिला था, तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दूँ, तो अभी ये चला जाएगा गाइस। आज का जो वीडियो है वो पूरा हमें शूट करने में हेल्प किया है ओम ने, तो थैंक यू ओम। था 6 spot ग्राउंड बीटल, मैं आपका अपना वाइल्ड लाइफ फिर से आऊंगा ऐसे ही नहीं वाइल्ड लाइफ रिलेटेड वीडियो लेके नेक्स्ट वेडनेसडे। टिल देन लिव एंड लिव फॉर लेस एंड स्टे वेल गाइस। तो चलिए गाइस।